चांदनी मणियार ने। और कल्पेश जी, इन्होंने अपनी जन्मतिथि बताई है 11/8/1960। जन्म समय है दोपहर के 1 बजे और जन्म स्थान है इनका राजकोट। प्रश्न इनका ये है कि ये धर्म की लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं, धर्म के जो दिशा है उसमें काम काज करना चाहती हैं, तो ये उनके लिए कैसा रहेगा? चांदनी जी, आपकी होरोस्कोप का रीडिंग करके पहले तो ये बताना चाहूँगा कि धर्म स्थान जो है आपका, वो सूर्य के साथ यानी आपके आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। नवा स्थान यानी धर्म बोलते हैं, धर्म का मालिक बुध आपके सूर्य के साथ बैठा हुआ है, तो आपके आत्मा के साथ है, और वो हृदय स्थान को यानी चौथे स्थान को देख रहा है, तो आपका धर्म के प्रति जो आपका लगाव है वो सही है। दूसरे नंबर में आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आपका गुरु और शनि का योग है। गुरु शनि यानी जीव और शिव, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं और ये पराक्रम स्थान में है, आपके तीसरे स्थान में है, तो जीव और शिव का जब मिलन होता है तो आप आध्यात्मिक लेवल में आगे बढ़ सकते हो। आपको इतना बता दूं कि आपकी कुंडली में एक कैमद्रुम नामक दोष लगा हुआ है, तो आप पूरे संसार में रहते हुए भी जब आपको समय मिलता है तब आप धर्म में ज़्यादा रुचि रख के धर्म का कार्य करते हो, वो आपके लिए अच्छा है। आपके लिए आपका जन्म ही इतना बता दूं कुछ अच्छा कार्य करने के लिए हुआ है, और अभी के समय में जब देखा जाता है तो आपका 54 ईयर्स जो चल रहा है, यानी समझ लो कि आपको 50 साल के बाद का जो समय है धर्म वाला ही समय है, तो आप आगे बढ़ जाओ, क्योंकि सूर्य की एज 50 साल बोली गई है, और आपका आत्मा यानी सूर्य वो आपके भाग्य यानी धर्म स्थान के साथ जुड़ा हुआ है, यानी कि 50 के बाद का जो समय है अभी जो चल रहा है वो आपका धर्म के लिए है, और आगे बढ़ जाओ, आप धर्म की लाइन में बहुत आगे बढ़ोगे, आप संसार में रह के धर्म में आगे बढ़ सकते हो, ऐसी आपकी कुंडली है। तो बिल्कुल, आप जो धर्म की लाइन में आगे बढ़ना चाहती हैं वो आप बढ़ सकती हैं, आपके लिए योग बहुत ही अच्छे नज़र आ रहे हैं।